हाय दोस्तों, कैसे हो आप साहब। आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। क्या आपने अक्सर देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट या किसी ऐसी जगह पे पिक्चर डालते हैं लेकिन वो उनके अपने सर्वर में सेव नहीं होती। वो या तो गूगल ड्राइव में होती है या किसी और ड्राइव में, जहाँ तो उसका वो डायरेक्ट लिंक हासिल कर लेते हैं। लिंक आपको मिल जाता है, कोई भी बंदा आप डाउनलोड कर जब उसको अपलोड करता है गूगल ड्राइव में, तो उसका लिंक वो शेयरेबल दे देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करने के बाद उसको डायरेक्ट लिंक में कन्वर्ट कर लिया जाता है। उससे क्या फ़ायदा होता है, आप अपनी वेबसाइट पे वो लिंक से वीडियो पिक्चर डालते हैं तो आपके सर्वर के ऊपर लोड नहीं आता, सर्वर की मेमोरी बिल्कुल खाली रहती है, जिसकी वजह से वेबसाइट की स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किस तरह बनाते हैं इसको, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, नोट पैड या कोई भी वर्डप्रेस खोल लेना है ताकि लिंक को एडिट कर सको। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी गूगल ड्राइव खोल लेनी है। इधर आप अपनी गूगल ड्राइव खोल लेंगे। ये इधर लिखी होती है, अगर आप लॉगिन किया हुआ है तो इधर आ जाएगी। आपने ये, मैंने वैसे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से फ़ोल्डर बना लें या डायरेक्ट डाउनलोड कर लें। मतलब इसमें अभी आप हम अभी आपको एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। अपलोड फाइल करेंगे, कोई भी एक पिक्चर इसमें अपलोड कर लेते हैं, यानी फ़र्ज़ करें यही एक पिक्चर हम चूज़ करते हैं, इसको अपलोड करते हैं। ये अपलोड हो गई है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे। ये देखें लिखा हुआ है गेट शेयरेबल लिंक, आपने क्या करना है, शेयरेबल लिंक इसका ले लेना है। ये देखें ये शेयरेबल लिंक आ गया इसका, इसको कॉपी कर लेना है आपने, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक इसके ऊपर नहीं हो रहा है, आपने क्या करना है, डबल क्लिक करेंगे तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी दबाना है, ये कॉपी हो गया है। आपने नोट पैड या वर्ड प्रेस कुछ भी ओपन कर लेना है, जिधर आप इसको पेस्ट कर सको। ये मैं इधर पेस्ट करूँगा, ये पेस्ट हो गया है। अभी आपने इसमें क्या चेंजिंग करनी है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये बड़ा फुल साइज में हो गया ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है। इसमें आपने क्या चेंजिंग करनी है, ये ओपन को काट देना है, इसकी जगह पे यू सी लिखना है, बस इतना काम करना है आपने। यू सी लिख के आप इसको दोबारा फिर कॉपी करेंगे और आपने दूसरी टैब में जाके इसको पेस्ट कर देना है। इस तरह पेस्ट कर देंगे तो पिक्चर शो हो जाएगी। अभी जो इधर एड्रेस आ रहा होगा ये वाला, ये आपने कॉपी कर लेना है, ये जिसका बैकग्राउंड नीले रंग का हो गया है, इसको आपने कॉपी करना है ये, और इसको इधर पेस्ट कर लेना है ये वाला। अभी इसका काम ख़त्म हो गया, ये हम डिलीट कर देते हैं। ये जो लिंक आया ना आपके पास, ये आपका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक है। इस सारे को आप कॉपी करेंगे, किसी भी जगह पे जब ये लिंक आप पेस्ट करेंगे, आप दूसरी टैब में जाके देख लें तो पिक्चर डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, ये आपका होगा डायरेक्ट डाउनलोड लिंक। बस इतना छोटी सी वीडियो थी, इसमें आपको बताना था कि इस तरह आप इस तरह बहुत हैवी से हैवी पिक्चर को भी अपनी वेबसाइट के ऊपर या किसी जगह पे लगा सकते हैं। अभी इस लिंक को आप किसी भी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। बस ये मेरी वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, शुक्रिया।